तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल गेमर वाइट। तो यार ये हमारा ओशियन सर्वाइवल का सेकंड एपिसोड होने वाला है, जिसके अंदर भाई मैं पूरे शिप वे को भाई पूरा अनलॉक करने वाला हूँ। उसके बाद भाई आप देख सकते हो यार, मैंने बहुत सारी जो है नेट लगा दी, जिससे भाई मेरा जो है सारा सामान भाई कैप्चर हो रहा है और भाई मुझे जो है कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो गाइस मैं जल्दी से वो सामान कलेक्ट करता हूँ भाई जो नेट के अंदर अटका हुआ है, जल्दी जल्दी से कलेक्ट करता हूँ भाई, पता चले कि रिस्पॉन होने लग जाए। और भाई आप जो है एक क्लिक करोगे जो हैंड पे जिसपे मैं क्लिक करूँ भाई, इस पर आप क्लिक करोगे खुद ब खुद भाई आपका सामान उड़ जाएगा। और भाई आप देख सकते हो यार कितनी सारी जो है मेरे बहुत सारे बॉक्सेस आए हुए मेरे पास, जो भाई मेरे जो है नेट के अंदर अटके हुए थे। भाई नेट लगाने का यही फायदा है कि भाई आपका जो है सामान कैप्चर हो जाएंगे और आपका जब दिल चाहे भाई आप यहाँ से सामान उठा सकते हो। तो भाई जल्दी से मैं सारी नेट से भाई सामान उठा लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने जो है सारा सामान नेट से भाई कलेक्ट कर लिया और भाई मुझे यहाँ पे याद आया कि भाई मेरे पास जो है शिप वे भी है भाई, मुझे उसका पूरा कंप्लीट करना है भाई। इसके खाली दो लेवल रहते हैं और भाई मुझे जो है इसके लिए रॉप की नीड होगी भाई, 16 जो है मुझे रॉप बनानी, तब जाके भाई ये सारा मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। भाई 16 नहीं बल्कि भाई 8 रॉप्स की नीड होगी बस भाई, उसके बाद भाई पूरा हमारा शिप वे बन जाएगा। और भाई मैं सच बताऊं भाई मुझे तो इसका यूज ही नहीं पता भाई क्या होगा, बस मैंने देखा तो भाई मैंने बना लिया इसको। तो गाइस ये पूरा के पूरा बन जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे भाई किसका क्या यूज है। तो यार जल्दी से मैं पूरा इसको बनाता हूँ और भाई इसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाई लोग फाइनली यार मैंने जो है सारी चीजें कंप्लीट कर ली और भाई इसके बाद क्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है और भाई फाइनली यार मेरी जो है राफ्ट जो है क्राफ्ट हो गई है भाई। इसके बाद जो है मुझे एक्सप्लोर पे दबाना है, फिर उसके बाद भाई हम पूरा जो है इससे ओशियन सारे भाई एक्सप्लोर कर सकते हैं। जल्दी से भाई एक्सप्लोर को दबाते हैं, फिर उसके बाद भाई किसी ओशियन पे चल के देखते हैं कि भाई मजा आया है फिर नहीं। तो भाई लोग फाइनली यार मैं पूरा ओशियन पे आ गया हूँ और भाई मेरी राफ्ट जो है यहीं पर खड़ी हुई है। तो यार बहुत अच्छा जो है ये मेरे को लगा। और भाई ये क्या आ रहा है, जल्दी से भाई मैं इसको मारता हूँ, मेरे पास भाई एक ही हथियार है, जल्दी से इसको मारता हूँ भाई। बहुत सारा डैमेज हो गया भाई, इसने मुझे बहुत डैमेज दिया। फाइनली यार ये मर चुका है और भाई इसके ये बहुत खतरनाक था यार, मैंने जो है पहली बार ये देखा यार यहाँ पे भाई, मैं पहली बार आइसलैंड पे आया हूँ। जल्दी से भाई ये जो मेरा स्टोन है इसको तोड़ के देखता हूँ कि यार ये टूटता है या फिर नहीं। तो भाई मेरे से तो नहीं टूट रहा अभी, भाई पूरा एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस मुझे जो है सामने सैंड नजर आ रही है, जल्दी से यार सैंड के पास चलते हैं और भाई इसको कलेक्ट करके देखते हैं यार ये कलेक्ट हो रही है या फिर नहीं। तो भाई फाइनली यार ये एक चीज तो कलेक्ट हुई यार, मेरा कोई तो फायदा हुआ भाई ओशन पे आने का, वरना तो भाई पूरा फजूल हो जाता भाई ओशन पे आने का। भाई और भी टूल्स है वो भी लेके आऊंगा और भाई यहाँ पे देखूंगा कि भाई यहाँ पे जो है हम ओशन के अंदर क्या क्या कर सकते हैं सारे टूल्स के अंदर। हो भाई ये सामने वाला ओशन भी, ये भी एक दूसरा ओशन है, मगर मैं अभी यहाँ पे जाना नहीं जा रहा। भाई आइसलैंड पूरा लॉक हुआ है, जब अनलॉक होगा फिर हम इसको जाके एक्सप्लोर करेंगे। और भाई सामने जो मुझे और भी सैंड नजर आ रही है, जल्दी से सैंड को उठाते हैं। भाई सैंड का ये यूज होता है कि भाई हम जो इससे प्लांट उगा सकते हैं भाई, बहुत सारे जो है हम इससे प्लांट उगाएंगे, इसलिए भाई मुझे जो है सैंड की बहुत नीड होगी। जल्दी से सारी के सारी सैंड उठा लेते हैं और भाई चलते हैं अपनी राफ्ट के ऊपर। तो भाई लोग फाइनली यार रात भी हो चुकी थी, मगर यार मेरे को यहाँ से भाई स्टोन के अंदर से भाई एक चीज देखी भाई, जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स निकल रहे थे भाई, ये अगर आपको पता है क्या चीज है तो भाई आप जो है कमेंट में जरूर बताना। और भाई जलते हैं अपनी राफ्ट के ऊपर और भाई देखते हैं यार क्या चल रहा है यार अपनी राफ्ट के ऊपर। मैंने भाई सारी नेट्स लगाई हुई थी, अब उन नेट्स के ऊपर भाई हमारा जो है सामान आया या फिर नहीं, जल्दी जाके चेक करते हैं यार। और भाई अभी लोडिंग हो रहा है, जल्दी से लोड होने देते, फिर उसके बाद भाई फाइनली यार हम लोग आ गए भाई अपनी राफ्ट के ऊपर। और भाई सारी जो है नेट अभी हम सारी भाई निकाल लेंगे सारा सामान भाई नेट के अंदर से, क्योंकि यार नेट जो है हमारी बहुत यूजफुल होती है। कहीं भी जाएंगे भाई खुद ब खुद जो है हमारा सामान कलेक्ट होता रहेगा और भाई हमारी जो है बहुत हेल्प करेगा। और भाई इसके बाद जो है हम शिप वे के अंदर भाई एक शिप भी बनाने वाले हैं, ये जो ऑप्शन आ रहा है बोर्ड बनाने का, ये भी भाई मुझे बनानी है। तो यार जल्दी से इसके लिए पूरा सामान कलेक्ट कर लेते हैं। Two hours later. तो गाइस फाइनली यार मैं कब से फिशिंग कर रहा था और भाई इसके बाद भाई मुझे याद आया कि भाई मुझे जो है शिप पे भी जाना है भाई, आइसलैंड भी एक्सप्लोर करने, यार जल्दी से चलते हैं यार। मैंने जो है सारी पिकेक्स और भाई एक जो है वो पिक हमारी जो है जिससे भाई हम लकड़ियां काटते हैं वो उठा ली है, जल्दी से हम चलते हैं आइसलैंड के ऊपर। और भाई हम जो है स्टोन काट के देखते हैं कि भाई स्टोन कट रहा है या फिर नहीं, जल्दी से चलते हैं वहाँ पे और भाई जल्दी से देखते हैं कि भाई वहाँ पे स्टोन कट रहा है या फिर नहीं। लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होके आ गया, अभी जल्दी से चलते हैं यार, देखते हैं यार कि स्टोन कट रहा है या फिर नहीं। और भाई मुझे तो कोई स्टोन अभी नजर नहीं आ रहा भाई, जो अजीब सा जो देखने वाला स्टोन है उसको भाई तोड़ के देखेंगे कि भाई स्टोन टूट रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे एक भाई बॉक्स पड़ा हुआ, ये तो कलेक्ट नहीं हो रहा अभी भाई। मैं जो है हथौड़ा निकाल के देखता हूँ कि भाई इससे जो है टूट रहा है या फिर नहीं। अगर टूट रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात हो जाएगी, भाई नहीं टूट रहा और भाई ये स्टोन भी नहीं टूट रहा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि भाई आगे जो है स्टोन पड़े हुए होंगे, अगर वो टूटते तो भाई बहुत अच्छी बात हो जाएगी। यहाँ पे जो मुझे भाई एक ये जो अजीब सा ब्लॉक लग रहा है, अजीब सा ब्लॉक नहीं बल्कि अजीब सा स्टोन लग रहा है। और भाई फाइनली यार मैं जो है इसको पिकेक्स से तोड़ सकता हूँ यार, इसको देखते हैं यार इससे क्या मिलता है। भाई मुझे जो है दो स्टोन मिले हैं भाई फाइनली यार, तो आइसलैंड आने का फायदा हुआ भाई, दो स्टोन मिले हैं खाली यार, दो स्टोन। पहले
एक हमने जो है सैंड मिली, फिर उसके बाद भाई मुझे जो है अभी ये स्टोन मिलने, जल्दी से यार इन स्टोन को पूरा तोड़ते हैं। और भाई आपका जो है आइसलैंड पाने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यार आपको जो है खाली स्टोन और भाई वुड ही मिलती है। वुड भाई आपको जो है ये पाम ट्री नजर आ रहे होंगे, भाई आप जो है इसको ना जो जिससे दरक काटते हैं ना वो लाड़ी होती है भाई, आपको वो लेके आनी होगी भाई। इससे जो है आप उसके जो है लकड़ियां काट सकते हो, आपको भाई खाली जो है मिलेगी बस, उसके अलावा भाई आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भाई मैं तो कहता हूँ कि भाई आपका जो है आइसलैंड में आना बेकार है, तो भाई आप आओ नहीं, यही अच्छा होगा। इससे छोड़ के देखता हूँ भाई नहीं टूट रहा, जल्दी से यार मैं अपने राफ्ट के ऊपर चल लेता। 2 hours later तो भाई लोग फाइनली यार मैं राफ्ट के ऊपर आ गया था। और भाई आप देख सकते हो यार मैंने जो एक फर्नेस बनाया भाई, इसके अंदर जो भाई मुझे ईटें बनानी है, जल्दी से यार मैं आयरन की भाई ईट बनाने इसको रख देता हूँ। यार बहुत अच्छा जो है इसका लुक आ रहा है भाई, क्योंकि मैं तो ये समझा कि भाई ये जो है सोने के लिए, मगर भाई ये सोने के लिए नहीं है, ये जो है फर्नेस है भाई। इसके अंदर जो है हम आयरन और बना सकते हैं, आयरन और नहीं बल्कि आयरन के जो है एक पूरा ब्लॉक बना सकते हैं, ईट बना सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं भाई हम। सर मैं आयरन को जो है मैंने रख दिया, और भाई मैंने जो है अभी अपने जो है राफ्ट को भाई एक्सपेंड करने का सोचा है। तो गाइज मैंने जो है सारा का सारा भाई आयरन बनने के लिए रख दिया, और भाई ये मैं ट्री के लिए भाई ट्री उगाने के लिए भाई मैं जो है ये सारे भाई एक जो है ये गमला टाइप होता है भाई, इसको जो है बना लेता हूँ, और भाई इसको लगा के देखते हैं कि भाई इससे जो है क्या फायदा होने वाला है। भाई ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब भाई आप इसको लगाएंगे और भाई इसका लुक देखेंगे भाई इसका लुक कैसा आ रहा है, जल्दी से यार इसको लगा देते। तो गाइस फाइनली यार मैंने जो है चारों के चारों गमले लगा दिए भाई, ये दो जो है बड़े हैं और दो छोटे हैं भाई। इसमें दो के अंदर भाई मैं पोटैटो उगाऊंगा, पोटैटो उगा के चेक करते हैं कि भाई पोटैटो कैसा उगता है, और भाई मुझे जो है कितने पोटैटो मिलते हैं। बड़े वाले के अंदर भाई हम पाम ट्री उगाने वाले हैं, और भाई पाम ट्री उगा के देखेंगे कि भाई उससे जो है हमारे को कोकोनट मिलता है या फिर नहीं। अगर कोकोनट नहीं मिलेगा फिर उसके बाद भाई हम उसको नहीं उगाएंगे, क्योंकि भाई इसका फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि भाई मुझे जो है सारी के सारी भाई सारी वुड ही नहीं चाहिए भाई, मुझे जो है कोकोनट भी चाहिए ताकि मेरी जो है हेल्थ भी बढ़े, और भाई मुझे मेरा जो है खाने का इंतजाम भी हो जाए, और भाई मेरा जो है आयरन भी बढ़ने ही वाला है भाई बहुत सारा। भाई मैंने आयरन बनाने के लिए रख दिया, और भाई मैं जो है बहुत एक्साइटेड हूँ कि भाई ये जो है पौधे बढ़ के भाई कैसे लगने वाले हैं। तो यार आज की वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, बहुत बहुत आपको भाई थैंक्स के भाई आपने यहाँ तक देखा और भाई ऐसा सपोर्ट किया। आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करके जाना यार अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और भाई वॉच नेक्स्ट पे क्लिक करो, बहुत अच्छी वीडियो।